कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर गिरफ्तार। जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों कांग्रेसी गिरफ्तार। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध बैठे थे धरने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में कटेश्वर पार्क के पास सड़क पर दे रहे धरना। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने लगभग दर्जन भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। कांग्रेसी नेता की गिरफ्तारी की गई वह सरकार के दमन आतंकी रवैये को दर्शाता है। हम लोग लगातार आम जनता के मुद्दे को उठाते रहेंगे, चाहे हमें कितनी बार भी जेल भले ही जाना पड़े। बस्ती से राजन कुमार की जा रही है। किस मामले को लेकर आज आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है? आतरस के मामले को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह यूथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है, युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, प्रशासन फेल है और इसका बदला ये हम जैसे नेताओं से, युवा नेताओं, छात्र नेताओं से ले रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी लखनऊ में कर ली गई है, उनको बरबत्ता से वहाँ पीटा भी गया। आप देखा क्या, लेकर क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि योगी जी अब तो इस्तीफा दे दें। इतनी निर्लज सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं थी। योगी बाबा जो बड़ा हिंदुत्व का ढोंग बेचते हैं, जिस तरह से रात में कर दिया गया, रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा, वो पूर्णतः निंदनीय है। हमारी मांग यही है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना। मतलब हम करने आए थे, आपकी नोकझोंक भी हुई है पुलिस वालों से? अभी कार्रवाई के लिए कर रहे हैं तो आप इसको। आज जब ये घटना प्रचारित हुई, जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई उस दलित बेटी के लिए, तो आज प्रधानमंत्री जी, चाहे मोदी जी, चाहे योगी जी, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले कहाँ थे वो लोग? आज 15 दिन हो गया उस बेटी को साथ बलात्कार हुए, उसके साथ ये जो निर्मम हत्याकांड हुआ है, हत्या ही कहा जाएगा, इसके पीछे कहाँ थे वो लोग? अभी तक क्यों नहीं FIR हो रहा, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही थी? लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, उसके परिवार के लिए लड़ाई लड़ती है, तो आज मोदी जी भी उसको देने के लिए जाएंगे और योगी जी भी। आज की नई घटना नहीं है, लगातार अभी तमाम जो नरसंहार हुआ उसके बाद भी राहुल जी, कहना प्रियंका जी जब जाना कोशिश की तो उनको गिरफ्तारी की गई। बराबर हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष को रोज हमारे गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं भी जाना चाहते। जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन का रवैया रहा है और जिस तरीके से जब ये वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में चला, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, क्या कहेंगे किस तरीके से इनकी व्यवस्था?